नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार के अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार सरकार में जनसंपर्क अधिकारी की निकाली गई वैकेंसी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क अधिकारी के पद पर 31 वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 फरवरी 2021 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर 12 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता मास कम्युनिकेशन में डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन में धांधली ना हो, इसके लिए सरकार हुई सख्त। हाल ही में कोरोना जांच को लेकर बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब कोरोना से संबंधित सभी जांच वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पहले से ही सतर्कता के साथ काम कर रही है, जिसके तहत यह प्रदेश में कोरोना टीका लेने के पहले आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद अब बिना आधार नंबर के किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत आधार पंजीयन का होना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि कोरोना जांच के दौरान मोबाइल नंबर दिए जाने को अनिवार्य किया गया था, लेकिन मोबाइल नंबर अंकित किए जाने को लेकर विभिन्न जिलों में पाई गई अनियमितता को देखते हुए राज्य सरकार ने अब आधार नंबर का दर्ज किया जाना आवश्यक कर दिया है। इस तारीख को जारी होंगे सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड। बिहार पुलिस में सिपाही के 8,415 पदों पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा की तारीख की घोषणा की जा चुकी है, जिसके तहत अब इस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख को भी साझा कर दिया गया है, जिसके तहत ही लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 20 दिन पहले यानी कि 25 फरवरी को जारी किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्रीय चयन परिषद 14 और 21 मार्च को लिखित परीक्षा का आयोजन करवाने वाला है। दोनों ही दिन परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। आपको बता दें कि अगर किसी उम्मीदवार के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं तो वो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड केंद्रीय चयन परिषद ऑफिस बोरिंग रोड सेक्रेटेरिएट हॉल्ट पटना से 10 मार्च से 11 मार्च के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ले सकते हैं। बिहार में पहले चरण के स्वास्थ्यकर्मियों का वैक्सीनेशन का दूसरा डोज आज से ऐसे स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा जिन्हें पहले चरण के तहत टीका लगाने का काम किया गया था, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में जारी की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 16 जनवरी को राज्य में पहला डोज दिया गया था और अब 28 दिनों के बाद आज से दूसरा डोज दिया जाना है। पहले चरण के तहत कुल मिलाकर वैक्सीनेशन के लिए 4.62 लाख स्वास्थ्यकर्मियों ने निबंधन करवाया था। इसमें 3,96,740 स्वास्थ्यकर्मियों ने टीका का पहला डोज दिया है। इन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों को आज से कोरोना टीका का दूसरा डोज दिया जाना है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी टीकाकृत व्यक्तियों को पहले ही मैसेज के माध्यम से जानकारी भेजी थी। सूरत से पटना तक की स्पाइस जेट की फ्लाइट सेवा की जल्द होगी शुरुआत। अब सूरत से पटना के लिए सीधा विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत मिली जानकारी के अनुसार सूरत से पटना के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट सेवा 22 फरवरी से शुरू हो रही है, जिसके बाद यात्री केवल 2.5 घंटे में ही यात्रा कर पाएंगे। इतना ही नहीं, यात्रियों के समय की बचत भी होगी। इसके साथ ही उन्हें अब कम किराया भी देना होगा। अब तक पटना से सूरत के लिए सीधी उड़ान नहीं होने के कारण यात्रियों को 9 से 10 घंटे का समय लग जाता था। इतना ही नहीं, इस विमान सेवा के शुरू होने के बाद यात्रियों के किराए में 25 से 50% से अधिक की बचत होगी। सूरत एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से ट्वीट कर इस नए विमान सेवा की जानकारी दी गई है। फ्लाइट संख्या SG 432 2:12:25 पर उड़ान भरेगी और सूरत एयरपोर्ट पर 2:02:55 पर पहुंचेगी। आज से नहीं लगाने वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना। फास्टैग की अनिवार्यता आज से शुरू हो गई है, जिसके बाद जिन भी गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगाए गए हैं उनसे आज से टोल प्लाजा पर जुर्माना वसूला जा रहा है। दीदारगंज टोल प्लाजा की बात करें तो यहां से हर दिन 22,000 गाड़ियां गुजरती देखी गई हैं। इनमें अभी मात्र 10 से 11,000 गाड़ियों में ही फास्टैग की सुविधा है। दीदारगंज टोल प्लाजा के मैनेजर संजीव कुमार के अनुसार जिन गाड़ियों में फास्टैग लगा नहीं रहेगा उनसे दोगुना टोल के साथ वहीं पर फास्टैग लगाने का काम किया जाएगा। फिलहाल अभी एयरटेल, पेटीएम और NHAI फास्टैग लगाने का काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, फास्टैग की चिप स्टिकर के रूप में गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगी होती है। जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा से होकर गुजरती है, टोल प्लाजा पर लगा सेंसर इस चिप को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की मदद से रीड करता है और उस टोल प्लाजा के हिसाब से तय पैसे अपने आप कट जाते हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा को लेकर जारी हुआ जरूरी दिशा निर्देश। बिहार में इंटर परीक्षा के सफलतापूर्वक समापन होने के बाद अब मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। हालांकि छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बिहार बोर्ड की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कोरोना को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस बार कुल मिलाकर 1525 परीक्षा केंद्र होंगे। पटना जिले की बात करें तो 84 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन करवाया जाना है। मुक्त परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड द्वारा सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी। प्रदेश भर के हर जिले में 4 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिला की बात करें तो गर्दनीबाग बालिका हाई स्कूल, शास्त्री नगर बालिका
हाई स्कूल बांकीपुर बालिका हाई स्कूल में मॉडल केंद्र बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि मैट्रिक परीक्षा के लिए सभी वीक्षकों की नियुक्ति रैंडमली की जाएगी। एक स्कूल के सभी शिक्षक दूसरे स्कूल में जाकर वीक्षक की ड्यूटी देखेंगे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे विकास रंजन की। बिहार में कई प्रतिभाओं ने अब तक अपने दम पर बिहार का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, इन युवाओं ने अपना नाम इतिहास में भी दर्ज करवा लिया है। वहीं इन प्रतिभाओं के जन्मदिन के अवसर पर आज हम आपसे बात करेंगे विकास रंजन की। विकास रंजन का जन्म 15 फरवरी 1993 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में था। विकास रंजन एक भारतीय क्रिकेटर है। उन्होंने 19 सितंबर 2018 को विजय हजारे ट्रॉफी 2018 में बिहार के लिए अपनी सूची एक की शुरुआत की। उन्होंने 1 नवंबर 2018 को रणजी ट्रॉफी 2018 में बिहार के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था। राजधानी पटना में अब सफर करना हुआ महंगा। राजधानी पटना में अब ऑटो से सफर करना महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमत को देखते हुए हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऑटो के किराए में 30% की वृद्धि की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब ऑटो से पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाने में 10 रुपए के बदले 13 रुपए देने होंगे। इससे यात्रियों को अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। आपको बता दें, ऑटो चालक संघों की मांग पर बिहार परिवहन प्राधिकार ने ऑटो का किराया निर्धारित कर दिया है। टीटीओ ने बताया है कि सोमवार को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा ने बताया है कि साल 2013 के बाद सरकार की तरफ से ऑटो का किराया निर्धारित नहीं किया गया था। आम लोगों की आर्थिक परेशानी को देखते हुए प्रति स्टॉपेज 1 से 3 रुपए किराया बढ़ाया गया है। कला विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव बजट सत्र में पेश करने की शुरू हुई तैयारी। राज्य में जल्द ही बजट पेश किया जाना है, जिसके बाद अब राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर कला संस्कृति विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा। सब कुछ अगर सही चला तो बजट सत्र के दौरान बिहार में कला विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव बिहार विधानसभा के 19 फरवरी से आहूत बजट सत्र में लिया जाएगा। खबरों की माने तो विभाग विधानमंडल की तरफ से लगाए जाने वाले मुहर का इंतजार कर रहा है। पुष्टि हो जाने के बाद विभाग इसे जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह से अग्रसर होकर काम करेगा। कला संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव रवि परमार ने हाल ही में बातचीत के दौरान इस बाबत ड्राफ्ट तैयार करने की जानकारी दी है। अशोक चौधरी से कन्हैया कुमार ने की मुलाकात। बिहार की राजनीति हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती है। मौसम चाहे जो हो, मगर बिहार की राजनीति में गर्माहट ही देखने को मिलती है। ऐसा ही एक वाक्या एक बार फिर से देखने को मिला है, जब हाल ही में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने अशोक चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। बिहार में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सियासी भागदौड़ मचा हुआ है, उस बीच यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही। हालांकि अभी तक इस मुलाकात की वजह की जानकारी नहीं मिल सकी है। मामले में ना तो अशोक चौधरी की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही कन्हैया कुमार ने कोई जानकारी दी है। नगर निगम के कर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली। शहर को साफ रखने की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की ही होती है, मगर आम जनता की भूमिका भी इसमें बराबर की होती है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए नगर निगम के कर्मियों ने साइकिल रैली निकाली, जिसके तहत राजधानी पटना के गांधी मैदान गेट संख्या 1 के पास नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा और नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार पंकज ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस दौरान उन्होंने आमजन से शहर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील भी की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, साइकिल रैली के दौरान सफाई कर्मियों को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त ने कहा है कि निगम का गौरव सफाई कर्मियों से ही है। बिहार के उत्तर पूर्वी भागों में दिखेगा घना कोहरा। बिहार में पिछले कई दिनों से मौसम की स्थिति लगातार शुष्क बनी हुई है। पिछले 2 दिनों से हल्के कोहरे का असर भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते 24 घंटे में कोहरे का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य के अधिकतम जिलों में तेज धूप देखने को मिल रही है, जिसके कारण ही अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग के न्यूमेरिकल मॉडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान रात के तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं आने वाले अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के उत्तर पूर्वी भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। बीच मैदान में ऋषभ पंत को रोहित शर्मा ने जड़ा थप्पड़। इन दिनों भारत और इंग्लैंड एक दूसरे से मुकाबला कर रही है, इसी क्रम में फील्ड पर भी कुछ न कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। इसी बीच हाल ही में रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के बीच हुआ एक वाक्या काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो को खुद वीरेंद्र सहवाग ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। इस वीडियो में रोहित शर्मा ऋषभ पंत को एक थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। सहवाग द्वारा शेयर किए गए वीडियो में मैच के दौरान हुए ब्रेक के वक्त रोहित और ऋषभ पंत साथ खड़े नजर आ रहे हैं और अचानक से रोहित पंत को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। हालांकि वीडियो में देखकर लग रहा है कि रोहित और पंत किसी बात को कर मजाक कर रहे थे और उसी पर रोहित ने पंत को थप्पड़ लगाया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। रणधीर कपूर के घर पर कपूर खानदान के पहुंचने पर फैंस ने किया कमेंट। रणधीर कपूर ने बीते दिन अपना 74वां जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर उनके घर पर परिजनों का आना जाना देखने को मिला, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रणधीर के घर पहुंचने वाले सितारों की भी ढेर सारी तस्वीर देखने को मिल रही थी। हालांकि रणधीर कपूर के जन्मदिन के मौके पर दिखी यह चहल पहल पर फैंस का कमेंट आया है, जिसके तहत सोशल मीडिया यूजर वीडियोस और फोटोज पर कमेंट कर अपनी नाराजगी जाहिर करते देखे गए हैं। ऐसे में एक यूजर
यूजर ने लिखा कि फिल्मी लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं होता है। वहीं दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, दो दिन पहले छोटे भाई की डेथ हुई है और अब ये। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, फास्टैग लगवाने की आज आखिरी तारीख है, क्या आपने अपनी गाड़ी में फास्टैग लगवाया है या नहीं? आप अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।